जोड़ के जोड़ के जोड़ के जुड़ो 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 पा गाँव वाले बनो बंदन अनकबार सर्व कला समरथ नमो राज राजे सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ गोबिंदे मुकंदे अगारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे हरियं करियं निरनामे अकामे अगम अगोचर सच साहेब मेरा सच गुरु ग्रंथ साहेब पिता जी साहेब मेरा नानक बोले बलाया तेरा नानक बोले बलाया तेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की तिसे सरेवो प्राणियों तिसे प्राणियों आपां सारे प्राणी मात्र बैठे हैं उदी सेवा करो जिस दे नाम पल्ले आप आंदे अभी उदे नाल जुड़ो उदे नाल सांझ बनाओ जिदे पल्ले चार दमड़ियां ने लोकी करदे गल्लां इहो जी कि जिदे पल्ले औखी सौखी वाले रूहानियत दे मंडल विच आवाज़ ठीक नहीं पई गूंजदी है तुहाडे आ रही आवाज़ जी बीबीओ अच्छा रूहानियत दे मंडल विच साहब कहिंदे बस ठीक है हुण साहब कहिंदे जे सेवा करनी है किसी ना सांझ बनानी है उहदे ना बनाओ जिहदे पल्ले नाम दा तानिया आखो वाहिगुरु जिस दे ते नाम पल्ले आ गुरु ग्रंथ साहिब दे नाम दा दाता सतगुरु नाम दा सतगुर सिख को सतगुरु तो अलावा भी कोई नाम देंदा है सीधे होके बैठो पुत हाँ तुहानू बेनती की मेरी धी हाँ इतरा तुहाडे तो वेखो मैं बजुर्ग हाँ किन्ना इतरा बैठो कोई गुरु तो बिना सिख नू नाम दे सकदा मैनू सारे दसो फिर गां तुरो
सिख नूं नाम दा धन पंज प्यारे साहिबान दे सकदे हो, वह भी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च। जे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी नहीं, पंज सिंह भी सज जाण, वाटा भी रख लैण, सारा कुछ इकट्ठा हो जाए, जे गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश नहीं ते ना तो अमृत का वाटा तैयार हो सकता, ना नाम का धन सिख नूं दिता जा सकता। तुहाडे विच बहुत सारे लोग ने जिहड़े नाम ते जेब विच पाई फिरदे ने, ते उहनां नूं एक खास हदायत आ, ये नाम दसना नहीं किसी नूं। पता लगा ये जिहड़ा दिता होया नाम किसी नूं, मेरा कहिंदा नहीं नहीं इतना ना करी, आप जपी ते होरनां नूं जपाई, वाहिगुरू वाहिगुरू। तो नीच गुरु सतनाम श्री कितने लकाउण नूं क्या है। गुरु ने कहा जिहड़ा मैं तैनूं हीरा दिता है ना, इहदे दर्शन लोकां नूं कराई, आप जपी ते होरनां नूं जपाई। सो वैष्णो सो जिस उपर सो प्रसन्न। सुखमनी साहब पढ़ दिओ नाल बाणी, कंठ करिया करो ते कंठ करदे करदे फिर भागां वालिओ अरदास करिओ, साहिब जो मैं पढ़िया इहदी मैनूं समझ आवे। तू मैनूं की इशारा कहना चाहुंदा, बाणी प्रभु की सब को बोले, आखिर तुसीं बोल के मैनूं क्या कहना चाहुंदे हो। तो सुनियो गुरु तुहानू कहिंदा उठ इशनान करो प्रभाते। इहो जी देखो कहानी नहीं जिहड़ी समझ नहीं लगी कि ते मैं दिल्ली की संगत का बहुत चिरां तो वाकब हाँ, से विरले थोड़े 8 बजे बिस्तरियां चो निकलते ने, गीजर चलाउंदे, गर्म पानी ना नहाउंदे। अपने सतगुरु नूं ते पुछो कि सिख ठंडे पानी तो बिना गर्म पानी ना नहा सकता है। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। गर्म पानी ना सिख दा नाता तेनू प्रवान है। मेरा साहब कहिंदा ठंडे पानी जो नह नावे, बोलो हाँ ठंडे पानी जो नह नावे, अर्थ पता लगे, जेड़ा प्राणी नहीं नहाउंदा। तनखाहदार वह वड्डा कहावे, तनखाहदार वह वड्डा तनखाही आए, वह बंदा हुक्मनामा नहीं लै सकता ताबिया बिके, वह बंदा कड़ा प्रसाद नहीं वरता सकता। नहीं आखो वाहिगुरू, वह बंदा कड़ा प्रसाद टिको परमजीत सिंह, कड़ा प्रसाद नहीं वरता सकता, वह बंदा पंजां च नहीं लग सकता जिहड़ा गर्म पानी ना नहाउंदा। तो सानू एक आदत बन गई गर्म पानी ना नहाउण दी, तनखाइया नहीं वड्डा तनखाइया। जिहड़ा बंदा ठंडे पानी ना नहीं नहाउंदा वड्डा तनखाइया,
उठ इशनान अरदास करो गुरु अगे जो तुसी कहिंदे ओ मैनू पता लगे जो मैं पढ़दा बाणी सवेरे बंगला साहब भी यही कहा सी भी साहब अगे अरदास कर जिहड़ी मैं बाणी पढ़दा वा उहदे विच तुसी मैनू कहिंदे ओ चलांगे उठ नाम जप ते मैं पढ़ के क्यों गां लंघ गया आखो वाहिगुरु तुसी वेखो कदी सड़क दे उत्ते बोर्ड लगे है ये रस्ता मोती नगर नूं जांदा है जे तुसी वो रस्ता वेख के मोती नगर नूं तुरदे नहीं उस लोकेशन च जांदे नहीं पहुँच जोगे मोती नगर फिर तुहानूं रब कितना मिल जाए रब तां लोकेशन दे रहा भी उठ इशनान करो प्रभाते सोए हर अराधे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सह स्थिती घर जाते चलांगे उठ नाम जप निस बासर अराध करा तुझे ना व्यापई नानक मिटे अपाध तेरी जिंदगी भाई पर कमाल की गल आ किसी आता होनू स्पीकर लाना लाना कोई सिंह बैठा हो जी कोई गल नहीं तुसी टिके रहे हो कारा तो कारा मैंने होंगे झोरे बोलो एक बार झोरे जेडे तेरी जिंदगी दे झोरे आ ना सारे मुक जाएंगे गुरु क्या सिखा चलांग वेले उठ के नाम जपया कर अज जिन्हां जिन्हां घरां च भी मैं दो मिनट लई गया उन्हां दीआं नौआं नूं भाया है उन्हां दे पुत्तरां नूं भाया है भी कहो नानक के तत बचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा ये तत विचार कर लो दुनिया के लोगों भी सिमरन तो बिना तुहाडा छुटकारा नहीं जे होना तुहानूं अमृत वेले उठ के सिमरन करना ही पैना है नहीं करोगे तो जिस तरह अगे रुले हाँ अगे भी रुलांगे अमृत वेले उठ के इशनान करके मेरी धीओ इधर वेखो कित्थे चले गया ध्यान अमृत वेले उठ के इशनान करके रब की इबादत करो ताँ कि तुहाडी जिंदगी च खेड़ा आ सके बसंत की रुत आ सके इहदे तो बिना नहीं गुजारा मैनू पता है लोग उतरा कम सारी जाते ने आखो वाहिगुरु तुसी किसे वेले भी उठो नहीं जे किसे वेले उठन की गल हुंदी ते गुरबाणी च ना लिखिया हुंदा कि अमृत वेला सच ना वड्याई वड्याई करन लई कल वाला ही ला दो स्पीकर फिर जसप्रीत कल वाला स्पीकर ही ला दो इहनू रहन दिओ फुल रही बाबा गूंज रही आवाज सारी टका नहीं दे रही आखो वाहिगुरु अमृत वेले उठ के रब का नाम जप ओदियां वड्याईयां दी विचार कर अमृत वेला वड्याई अपनी सुरत विच वड्याई विचार कर सो वैष्णो 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 भैनों पढ़ते सुखमनी साहब च वैष्णो का अर्थ की हथ खड़ा करो भला आ साढ़े अखर वो आ जड़ा आंडा नहीं खाता उन्होंने की आप कहने वैष्णो आ जी मेरे बाबे नहीं मनिया मेरा बाबा कहता जे आंडा नहीं खाता तो अखा नाल लोगों दियाँ धियां का सरूप खाता है जे आंडा नहीं खाता सारा दिन चुगली निंदा तो गंद खाता है वैष्णो कितों आखो वाहिगुरु जे कोई काम इस तरह के शराब नहीं पीता अहंकार की शराब इन्नी चढ़ी वो जी शराब दूसरी पीती इन्हें क्यों मैं लसेंस दे रहा आखो वाहिगुरु वो दूसरी शराब पीती रात को पीती तो सवेरे उतर गई आ जी अहंकार की शराब चढ़ी निमख निमख कर शरीर कटावै तो भी आ शराब उदे तो भी खतरनाक है वैष्णो का अर्थ मेरी धीए ये नहीं वैष्णो का अर्थ है साधु बोलो वो साधु है सो वैष्णो जिस उपर परेशानी नहीं 100% प्रसन्न रब जिते हो जाए उन्होंने कहिंदे साधु इत्थे तो तुहाडे लैणा लगियां तमाशे किते दिल्ली दे विच इधरों सीधे होके बैठो तमाशे किते साधा ने किते कि नहीं बोलो
अपना करदार मैं परसों चौथ इतने यूपी च किया सी, एक होंगी खुदकशी, बोलो हाँ भला खुदकशी अपने आप नू मार लेना, एक होंगी करदार कुशी, किरदार अपने करदार नू खत्म कर लेना। पता लगा मैं सिख हाँ, मैं कपड़े साधु वाले पाए ने, मैनू लोग बहुत सत्कार देंदे ने, मैनू लोग मत्था टेकदे, मेरा एक अपना किरदार आ। जदों अपने किरदार तो छिड़कदा है ना आखो वाहिगुरू, वो की करदा किरदार कुशी। बाबा जरनैल सिंह साहब जिहड़े ही ना आखो वाहिगुरू, ना सुनिया अच्छा, वो कहिंदा मैं जिसम की मौत नूं तो मौत मनदा ही नहीं, यह तो मरना कोई मरना ही नहीं, सारे ही मर जाना, इहदे च किहड़ी गल। फिक्र मैनू इस गल का कि जींदे जी मेरा किरदार ना मर जाए, जिहो जिहा मैं कपड़े पाए ने, गोल पग बधी, हथ च तीर फड़िया, गुरसिखां वाला मेरा जीवन आ, ये जीवन ना मर जाए कि मेरा कि लोग ये ना कहन वो भी किरदार चो गिर गया। साधुआं ने अपना किरदार गेरता। साधु एक ऐसी परम शक्ति आ जिहड़ा रब दे द्वारे तो बिना किसी दे बूहे अगे नहीं जाता। विण तुद हो विण तुद तेरे तो बिना होर किसी को जो मंगना सिर दुखा के तेरे को मंगदा, दे नाम संतोखिया जे तू तुठा कृपा निधान ना। ते जेड़े साध ने दूसरा वेख लिया साध का ला दो बाणा उदन तो, जे तुहानू गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी के अगे बूहे अगे बहन का शौक है ना, तो साधुआं वाला बाणा ला दो। साधु तो मर जाता, भाई मतीदास साहब आरे नाल चीरिया गया, औरंगजेब की गोद च नहीं बैठा, औरंगजेब की बोलो औरंगजेब की गोद में नहीं बैठा, भाई सतीदास अग में सड़ के शहीद हो गया, उधर कहिंदा सी औरंगजेब कि मेरे को आ मैं तेनू पातशाहियां बख्शा, सतीदास मैं तेनू महिलों में बहाला, तू अग में क्यों सड़दा है, कहिंदा तेरे महिलों च बहन तो पहलों मैनू एदे नालों तोड़नी पैनी, किहदे नालों, तन गुरु तेग बहादुर साहिब, तन गुरु तेग बहादुर साहिब, तन गुरु करना दयावै ताए, करना दयावै ताए, कर बाबा तेग बहादुर सिमरिए, बाबा तेग बहादुर सिमरिए, बाबा जदों चंडी दी वार विच अरदास दे शब्द लिखे ने ना, ते सारिया पहलियां पातशाहियां ना गुरु शब्द लिखिया है, प्रथम भगवती सिमर के गुरु शब्द लिखिया, ध्यान ना सुनियो, मगर जदों तेग बहादुर दी वारी आई उत्थे गुरु नहीं आगा, ते फिर किसे शब्द जोड़िया बाबा, बाबा क्यों कहिंदे हो जी इहनूं, आखो वाहिगुरू। जिदन आगमन होया सी गुरु तेग बहादुर साहब का, हरिमंदर साहब विच बैठे गुरु हरगोबिंद साहब कीर्तन सुन रहे थे, आखो वाहिगुरू, ते कान च किसी ने आख्या बालका आया घर च, ते गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा बालका नहीं बाबा जी आए ने, बाबा जी आए ने, बाबा है ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਕਰਨਾ ਨਿਧਿਆਵੇ ਤਾਏ, ਕਰਨਾ ਨਿਧਿਆਵੇ ਤਾਏ,
घर। बहुतियां नूं नहीं पता होना, एक हजूरी रागी भाई तरलोचन सिंह साहब हुंदे सी, तुहाडे चों बजुर्ग किसी ने सुनिया होवे कीर्तन, हजूरी रागी हुंदे सी, बड़े प्यारी आवाज सी उहनां दी। ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵੇ ਤਾਏ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਵੈਸਨੋ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਸਨੋ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ। ਸਾਧੂ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ 100% ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਬਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੇ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਣੇ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਖੀ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਨਿਹਕਰਮ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਖੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਸੁਣੋ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਪੋਚਾ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਹਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਵੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਬੋਲੋ ਭਲਾ ਤਬ ਲੱਗ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਬਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਗਰਭ ਜੂਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ? ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਬ ਲੱਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਣਾਵੇਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਜੇ? ਜੇ ਦੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਬੀਬਾ ਕਿਉਂ ਵੇਂਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਧੀਏ ਇੱਧਰ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ, ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੱਥਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਟਿੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਏ ਤਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਵੈਸਨੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੈਸਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਾਹੂੰ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਚ,
ते तुहाडे ते भाई जी जिन्ने आउंदे आ ना कीर्तनी कथावाचक वो तो तुहानू कहिंदे आ बाणी पढ़ोगे ना तुहानू आ मिलूगा। वो तो कहिंदा कर्म करन तो बाद किसे फल की इच्छा ही नहीं रखनी, किसे फल की। ते तुहानू ते मैनू ते सारे जिन्ने साध आउंदे ने यही कहिंदे आ सुखमनी साहब का पाठ इस जुगती नाल करिया करो, तुहाडे घर पैसों के ढेर लग जाए। वो भाईआ सानू पैसे नहीं चाहिए, सानू चाहिए बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे, कैर वदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। सानू ए नहीं चाहिए दौलत, कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को सानू चाहिदा। कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लियो, जन्म मरण कोई खोपरी च गल पई है, पटेल नगर पै गई खोपरी च नहीं। असी पैसे नहीं मंगने नितनेम करके, असी कीर्तन सुन के नाम जप के पैसे नहीं मंगने। कहना महाराज कर जोड़ नानक दान मांगे, मेरी तो अरदास है मेरा जम्मण मरण कट दे बड़ा औखा है, माँ के पेट में इतना 9 महीने अग विच लमकना ते माँ का मल मूत्र उत्तों की लंघना 9 महीने कुहत्थड़ो थाएं लिखे उत्थे वसंदो कुहत्थड़ो बड़ी कुहत्थी जी थां ते कुथां जे ते जीव आत्मा रहिंदी। ते बाबा कबीर कहिंदा मेरी हाथ जोड़ के बहिंदी मैनू होर तो नहीं कोई चाहिदा, अब की बार गौड़ ना ये तुहानू लोलू पोप देंदे आ। सुखमनी पढ़ोगे तो तुहाडी एक गड्डी होर आजू, नहीं चाहिए सानू गड्डी, सानू चाहिए मिलाप जन्मां दे विछड़िया नू, मिलाप की घड़ी किसी इस जिंदगी आ जाए। सिखा रुखी रोटी खा के कह भी मैं मंग नहीं भुलूंगा, मंग मेरी की आ मिलाप, महाराज मिलाप करा दे। आ वेखो जिनी गुरु की बाणी आऊगी ना, किरत कर्म के विछड़े अगे की है कर कृपा, मेल शब्द है ना, मेल ले ओ दयाल रख ले वो परमत बो। बाणी नू जिन्ना चिर तुसी खुद नहीं समझते ये साध तुहानू इन्ना चक्करां च पाई फिरनगे, आप भी माया दे आशक ने ते तुहानू भी माया दे आशक बनाई रखणगे। बिल्कुल नहीं सानू चाहीदी दौलत, एक ते तेनू तेरे दीदार चाहीदे तो दे डिठे सच्चे पातशाह, दर्शन परसीए गुरु के जन्म मरण तेरे दीदार होण। सरकार जी ने काहू फड़की फिर कदे लिए आना है गुरुद्वारे, क्यों आना है गुरुद्वारे फिर जे तेन पैसे नहीं चाहिए फिर गुरुद्वारे। केवल भगत कीर्तन संग राचे, मैं इको ही मंग लैके आना, मैं संगत जावा मेरा मन जुड़ जाए, बस मेरी इको ही मंग नहीं, खिंडिया होया मन रब नाल जुड़ जाए। मैं ऐस केवल भगत कीर्तन संग राचे रचे रच जाए, मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवित कृपाल, आप दृढ़े अवरै नाम जपावे नानक ओ वैष्णो। इत्थे आओ मेरा बाबा कहिंदा तिसे सरेवो प्राणियो, नहीं समझ लग रही, सेवा ओदी करो जिस ते नाउ पल्ले, बोलो जेदे पल्ले ते नाम आ गुरु दे कोल कि होर भी किसे कोल है, पुत तुम ही ध्यान दे जेदे नाम पल्ले है। सतगुर सिख को जिन्हों गुरु ने नाम दिता गुर का सिख, सतगुर सिख का नानक सतगुर सिख को कलेजे ना ला कर। साहब जी के बड़े प्यारे बचन है, तुसी तिसे सरेवो प्राणियों जिस दे नाओ
ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਪੱਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਸਹੇਲਿਆਂ, ਬੋਲੋ ਹਾਂ, ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਵੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਤਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਏਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਫਰਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਏਸੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਪਸੀਨਾ ਕਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਗ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਸਹੇਲਿਆਂ, ਬੋਲੋ ਭਲਾ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਖੀ ਕੱਟੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਘਰ ਬੰਧੋ, ਘਰ ਬੰਧੋ, ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਓ ਸੱਚ ਧਰਮ ਕਾ, ਬੋਲੋ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਸੱਚ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛੱਤ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥੰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਆ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ ਇੰਨੀ ਕਾਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟੀਆ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਾਮ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਡੀਆਂ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟੀਆ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾੜ ਪੜੋਸਣ ਪੂਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਾੜ ਕਾਪੇ ਸ਼ਾਨ ਛੁਆਈ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਛੱਪਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋ ਨਾਮਦੇਵ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਨੀ ਸਿਉਂ ਟਿੱਬੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਟਿੱਬੇ ਜਗਦਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਅਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਧੀਓ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜੂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰੇਰੂਆਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਾੜ ਪੜੋਸਣ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਾਪੇ ਸ਼ਾਂਤ ਛਵਾਈ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਣ ਕੇ ਪੜੋਸਣ ਪੁੱਛਦੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਛੱਪਰੀ ਨਾਮਦੇਵ, ਤੇਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋਭ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋ? ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
गुरु। मीह मीह पै गया मीह। गोडियां ते रख के लक सीधा रखो, आनंद आऊगा। गुरु 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 गुरु। मुले तार पैन लग पिया, सब गंद ढो के ले जू, जिन्ना नाड़िया च गंद आ बत्तरां विचों धू के ले जू। फुरने बंद करके, फुरने बंद, फुरने बंद। लगो भला अगे नु तुरे चलो, पिछे ना आखियो भी कदों मुड़ना है। अगाहां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ा, नानक सिज अबेहा वार बौड़ना वो भी जन्मड़ा। देखण डे ने साहब आप सारे वाल वेखण डे, एक एक धी दे चेहरे वाल, एक एक धी की सुरत नू पढ़ रहा, एक एक वीर की सुरत नू पढ़ रहा गुरु। इना चेता रखो, हाँ गुरु मेरे सिर ते खलोता है। थॉट ना आन दो अंदर, फुरने ना आन दो, केवल खाली होके जपो, पर जोगे आखो सतनाम श्री वाहे गुरु के, आखो सतनाम। चंगी तरह सुनियो की आख्या, की आख्या, मजदूरी मजदूरी की लेंदा तेरे नालों दूनी दूं, जे तू मेरी ये पैना पड़ोसन नू कह रहा, पड़ोसन कह रही नामदेव नू भी तू जे भी दिते ने तो मैं 40 देन नू तैयार हाँ, अपने मिस्त्री नू कहो मेरी भी छपरी बना दे। तो कहिंदे तुसी भी जे बाबियां नू ज्ञानियां नू भाइयां नू कहिंदे ही हो भी भाई साहब साड़ी अवस्था कितना बनू, अवस्था रूपी छपरी की गल कर रहे हैं। आखो वाहेगुरु, मिस्त्री का एड्रैस तो दे दे, मैं भी बुला के, तू जे 20 रुपये दिते मैं 40 दूँ, तो पै दुगनी मजूरी दूँ, दुगनी, तू जे 20 दिते मैं 40 दूँ, जे तू 40 दिते तो मैं सची मुची पैसे वाला। इसे करके बाबिया बहुत घर खड़ता है, उधर बाबिया भी पता है
ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਮਾਏ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਖੈਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਭੱਜਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਆਹ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਅਡਿੱਗ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ। ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਉ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਤੂੰ 20 ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ 40 ਦਊਂ, ਤੂੰ 40 ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ 80 ਦਊਂ, ਤੋਂ ਪੈ ਦੁੱਗਣੀ, ਵੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੋਂ ਪੈ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ੂਰੀ ਦੇਊਂ, ਮੌਕੋ ਬੇਡੀ, ਬੇਡੀ ਬਣੇ ਤਰਖਾਣ, ਬੇਡੀ ਬਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੌਕੋ ਬੇਡੀ ਦਿਓ ਬਤਾਈ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬੋਲਿਆ, ਰੀ ਬਾਈ, ਰੀ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਬਣੇ ਭੈਣ, ਇਸਤਰੀ, ਬੰਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ, ਰੀ ਬਾਈ, ਬੇੜੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਧਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਰੀ ਬਾਈ, ਬੇੜੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਮਾਰੇ ਬੇਡੀ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੱਸ, ਬੇਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ, ਕਰੇਂਗੀ ਪਿਆਰ, ਉੱਠੇਂਗੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਪਾਵੇਂਗੀ ਠੰਡਾ ਸਿਰ ਚ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਲ, ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਚੌਂਕੜੇ, ਜੁੜ ਜਾਂਗੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ, ਕਹਿ ਕਰੂੰ ਜਾਤੀ, ਕਹਿ ਕਰੂੰ ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਰਖਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਪਾਤ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਕਿਹੜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਲੇਰਿਆ, ਬੇਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਗਵਾਂਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਕੋ ਸ਼ਾਨ ਛਵਾਵੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਸਭੂ ਤੇ ਤੋੜੇ, ਤੋ ਆਪਣ ਬੇੜੀ ਆਵੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿ ਕਰੂੰ ਜਾਤੀ, ਕਹਿ ਕਰੂੰ ਪਾਤੀ, ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰੰਗ ਨਰੰਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਕਰੇਂਗੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆ ਜੋ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ
ਤਖ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਨਾ। ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਸਭੂ ਤੇ ਤੋੜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਮਾਮੇ ਨਾਲੋਂ, ਚਾਚੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਹੁਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਤਿਓਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਤਿਓਰੇ ਨੂੰ ਪਤਿਓਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਗਰ ਸੁਰਤ 'ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਪਰਵਾਹ, ਕੇਵਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਧੀਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੁਰੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜੂ। ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਉਂ ਰੱਖੇ ਰੱਖ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀ। ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲੀ ਹੈ ਰੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਓ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਘਰ, ਆਪ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਛੱਡੋ, ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਛੱਡੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਫਖਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਨੇਚਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ, ਬੇਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਕੋ ਸ਼ਾਨ, ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਪਰਵਾਹ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣ ਬੇਡੀ, ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖਿਓ ਬਣਦੀ। ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਝੁੱਗੀ ਉਹਦਣ ਐਡੀ ਪੱਕੂਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਫਿਰ ਸਦਾ ਅਡਿੱਗ ਰਹੂਗੀ। ਜਦਨ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਦਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਦਾਰ ਦੇਣ ਵੀ। ਰਾਤ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੜੀ ਘੁੜੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੇ ਹੂਟੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਥੱਕ ਗਏ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਢੋਲਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਜ ਦੀ
हक हक आदेश गुर गोबिंद सिंह, ओ बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह, बाद फजल अल्लाह नूर गुर गोबिंद सिंह, फजल आ बोल जो बोले ना फजल ते नाल लिखता गुरु ते जेदी बेड़ी च बिठे सी ना काबली वो मुसलमान सी ओदी जान निकल गई भी इन्हां दे पीर दा नां ते सुनया गुरु गोबिंद सिंह मगर इन्हां नूं अल्लाह कितना कहता पता लगा इन्हां नूं पुछया बेरी वाले ने पूछा भी भाई एडा वड्डा कुफर तोलता जे वो जिहड़ा तुहाडा आनंदपुर साहब पीर रहिंदा है तुहाडा मुर्शिद रहिंदा उहनूं तुसीं अल्लाह क्यों कहता। उन्हें कहा तेरिया अखा नहीं मेरिया अखा नहीं तेरा भीखम शाह गया सी कौन वो कह के आया है ये अल्लाह आ गया धरती ते ये खुदा आ गया मैं नहीं कहा तेरे पीर बुद्धू शाह ने कहा ही भी ये खुदा है कि खुदा है खुदा खुद आ खुद आया है धरती ते रब। उन्हें कहा मैं किस तरह मना सुने खुदा नूं याद करिए जे वह खुदा है तो वह आपे ही आण के आप मिलिया घर आए बोलो उन्हें मिलने नहीं जाना पैंदा आप आ दिंदा। वह कहिंदा तुम्हें याद कर ला तुम्हें तेरे भी आजू कहिंदा चंगा फिर आज जो नमाज अदा करूँगा ना मैं अल्लाह नूं कहूँगा मैं खुदा नूं कहूँगा जे तू सची मुची आनंदपुर साहब खुदा रहना है तो मैं गरीब तो बेड़ी दे विचों एक दिन लई कट के आऊँ तो मेरे बच्चे कित्थों रोटी खाणगे सीधे होके बैठो मेरे बच्चे कित्थों रोटी खाणगे आना मैनू इत्थे ही दीदार बख्श इधर याद किया तो प्रीतम प्यारे नू मैसेज चले गए क्योंकि घट च बैठा सी वो रूह हर दर जिसम गुर गोबिंद सिंह रूह गुर नूर हर दर चश्म गुर गोबिंद सिंह हर अख च चमकण वाले नूर का नाम गुरु गोबिंद सिंह है हर शरीर च रहन वाली रूह का नाम गुरु गोबिंद सिंह है। आवाज मारी सवेर के पंज क बजे से आखो वाहेगुरु सरकार नितनेम करद्या करद्या छाल मार के उठी नाल सिंह नितनेम कर रहा सी ते सरकार ने छाल मारी नीले दे कोल जाके आख्या दया सिंघा भी घोड़िया ते काठियां पाओ इक्या मेरा है आपां छेती किसी नूं मिलन जाना है किते उहदा विश्वास ना टुट जाए तुसी करो हाँ याद मैं ते तुहानूं सारिआं नूं गुरु की हजूरी च कहिंदा करो याद सवेरे ना दो बजे आवे मेरा सिर कट दिओ माज ते मारो आवाज तां मारो गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं किहड़ा बाप है जिहड़ा पुत दी आवाज ते नहीं आउंदा बड़ा प्यार करता सिख ना गुरु गोबिंद सिंह साहब तुहानूं गद्दियां ते सौण लई आप कंडियां ते सुता ये तुहानूं गद्दे मिलन तुहानूं गड्डियां मिलन आप कंडियां ते पैदल तुरिया क्योंकि तुहानूं मिल जाण अरदास कीती सी हे खुदा दुनिया के जिन्ने सुख ने दुनिया के जिन्ने सुख ने मेरे सिख की झोली च पा दे तुहाडे प्यो ने कीतियां अरदासां भुल गए हो कोई उत्थे तुरिया फिरदा कोई फुल्लां दे सेरे कोई उद्दे बनाई फिरदा वा इस तरह के पखंड शखंड सारे छड के एक बार याद तां करो गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं जिन्ने दुनिया के दुख ने वो गोबिंद सिंह की झोली च पा दे जिन्ने दुनिया के सुख ने वो मेरे सिख की झोली च पा दे अरदास दे वो भी चमकौर की गड़ी च मैनू नहीं परवाह मैं पुत्तां दीआं लाशां तों दी तुरिया दे मैनू दुख दे मगर मेरे सिख नू दुख ना मिले। फिर उन्हें आवाज मारी इधरों घोड़िया काठियां पै गई किन्निया ते इक्कियां ते वी सिखां दियां एक सरकार दे अपना नीला घोड़ा
एक धरती से पहला पैगंबर आया जिसके घोड़े का रंग नीला है, कोई घोड़ा नीला नहीं उस तो बाद ना कभी पहलों होया ना बाद चया। एको पैगंबर आ गुरु गोबिंद सिंह साहब रही बरिया जिसके घोड़े का नाम नीला रंग नीला है। मुहम्मद साहब जोड़े मुसलमाना के होए ने उन्हों की घोड़ी का रंग नीला है, घोड़ा नहीं, क्योंकि घोड़िया तो मर्द चढ़ते ने। कौन मर्द गमड़ा सी ना, ये खुदा ने उत्तों घोड़ा भेजा जिदा रंग नीले का मतलब है जिस तरह नीला आकाश व्यापक आ, एक घोड़ा भी सारे का साझा है। जिस तरह समुद्र का पानी नीला है उसकी कोई सीमा नहीं, उस तरह इस घोड़े का किसी ना कोई वैर नहीं, ये भी व्यापक आ। इहदा रंग की है नीले तो पाई अगे अगे तुर पिया, कलगी लगी सी आ गए नंगल, कित्थे आए हो कदी नंगल भाखड़ा नंगल, उत्थे दरिया के कंडे ते चप्पू ला ला के बेड़ी चलाउण वाले ने वेख्या, हे मेरी है जिंदे मैं ते कीता सी खुदा नूं याद, खुदा ते आया नहीं, किसे रियासत दा राजा आ गया। जदों घोड़ियां ते चढ़े आया ना वेख्या ते आ कलगी चमकी, ते दूरों वेख के अपने मन समझ रहे हो, दूरों वेख के अपने मन च फुरना बनाउंदा कोई रियासत दा राजा आ गया है। चल कोई गल नहीं, जिंदे जे रियासत दा राजा ही आया तो घाटे वाली गल नहीं, जे कितें बेड़ी च बह गया तो बहुत सारी मजदूरी मिल जूगी। अज सारा दिन खुदा की इबादत करांगे, फिर बार बार फेरे नहीं लाने पैणगे, राजा तो रजा के ही जाऊ, दो चार पांच पैसे ज़्यादा दे के ही जाऊ। राती डीकदा सी खुदा आवे, राती इस तरह राती डीकदा सी खुदा दे दीदार हुण, जदों सामने आउंदे खुदा नूं वेख्या ते इस पापी रूह ने फुरना बना लिया भी पैसे ज़्यादा मिलन लगे। इत्थे भी आउंदे हो घरों ते दर्शन ही करन आउंदे हो ना गुरु दा, इत्थे खलो के गुरु दी मंग परे हो जांदी ते सुरत विच फुरने आ जांदे ने। महाराज साडी फैक्टरी दा कम चंगा चला दिओ, इहो ही आ जांदे। महाराज मेरे पुत नूं सैट कर दो कनेडा, ये फुरने आ जांदे। उहदे अंदर भी एक फुरना पैदा हो गया भी अज खुदा आया राजा आया तो बड़ी मजदूरी मिलू। इधर घट घट के भले बुरे की विण बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की चै अरदास। वो बिना बोलन तो जानन वाले ने जान लिया ते मन ही मन में हसया, मेरा प्रीतम प्यारा राती ते मैनू खुदा दे रूप च वेखना चाहुंदा सी, हुण मैनू आपे ही राजा बना लिया। ते राजे कोल मजदूरी मंग ली, उतरे घोड़े तो छाल मार के, चल भी सानू पार लै चल। उहदा नाम सी सैदा, की सी सैदा मिला उहदा नाम ते आचा, चल सानू पार लै चल। आओ जी महाराज, राजा वेख्या मन दे विच इक्को ही गल पल रही, पैसे बड़े मिलने, पैसे बड़े मिलने। आख वाहिगुरू सरकार ने आख्या चल पार चलीए, तुर पिया बेड़ी लैके चप्पू लाया। हाली 50 कदमी गया सी चप्पू ला के बेड़ी लैके, ते तां नेत्र चुके ते दो पासियां तो रोशनी पवे नहीं, सीधा हो जा पुत्रा, थोड़ा चिर जे तो सक, मैं उस वेले समाप्ति कर दूँ, मेरी भी इत्थे लगन डिया ही। और आखो वाहिगुरू, उत्थे जाके दो पासियां तो रोशनी दिसी, सतलुज दा पानी जिन्ना साफ है ना। मैं कनेडा अमरीका इंग्लैंड सारे घूम के आया, किसी दरिया किसी नदी का पानी इन्ना साफ नहीं जिन्ना सतलुज दरिया का पानी साफ है। ऐ नीले शीशे वांग विचों मूँह दिसदा है, उहदे विच दो पासे लाइट दिसी, एक पासे तां मूँह चुकिया तो सूरज, दूसरे पासे नूं वेख्या इधर लाइट उहदे नालों 1000 गुणा ज़्यादा पै रही। ये कड़े सूरजा, ये नमो सूरज सूरज नमो चंद्र चंद्र, ये रोशनी सूरजा दे सूरज दी। इत्थों तां मां मूँह चुकिया इतना वेंदा 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 सरकार वल, चेहरे दे उत्ते नज़रां गड़ियां गईयां, दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सुधी बुद्धि सब गवा बैठा।
ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਐਸੇ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਉਤਰੀ ਭੁੱਖ, ਪੈਸਿਆਂ ਪੂਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਉਤਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਬੇੜੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਸਹੀਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚੱਪੂ ਲਾ। ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਾਂ, ਸਹੀਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਬੇੜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਣ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਵਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਸੱਜਣੋ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਲ੍ਹੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕਥਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਤੇ ਸਿਦਕ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮੀ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਘੋੜੇ ਭਜਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਘੋੜੇ ਭਜਾ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੋੜੇ ਸੰਤੋੜ ਭਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੌੜਦੀ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਸੈਦਿਆ ਬੰਨੇ ਲਾ, ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇੜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਦੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਾਹਦਾ ਵਪਾਰ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਗਰ ਮਿੰਟ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਉਤਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਓ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਪੈਸੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ, ਆਖਿਆ ਸੈਦਿਆ ਕਰ ਝੋਲੀ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਇਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਇਤਰਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਸ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਆਂਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇਰੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੁਰਜੀ ਫੜਾ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਕੱਢ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖੁਰਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ
ते झोली इकट्ठी करके कहिंदा ना साहब ते बहुत थोड़ी। फिर सरकार ने पूछया सजदिया की दां जे सारी खुरजी सोने की लैके भी तू आना ये थोड़ी की लैना ही। कहिंदे सौदा ना कर लीए नहीं पता लगे की सौदा कर लीए। लागो सिखा ने आख्या दो हजार का मालिक आ ते तू तीन पैसे की बेड़ी चलाने वाला ये की व्यापार करेगा। महाराज पातशाह कहिंदे तुसी चुप रहो इनू कर दिओ कर भी सौदा आ कर व्यापार। ते दो गल्लां कहियां साहिबा तेरी ते हमारी किछ जात ना न्यारी माधो तेरी तू भी बुला। अंदरों कलेजे च जाके आखो ना तू भी मिला ते मैं भी मिला। ते जदों साडी दोवां दी जात ही इक आ ते ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर कोलों टिकट नहीं कटदा नहीं पता लगा किसी दियां बसां होण ते दूसरी बस चढ़े ते उह कहिंदे भाजी तुहाडे असीं कदी चढ़ जाँगे। तू भी मिला मैं भी मिला मैं छोटी जी नदी का मिला तू पवजल नदी का मिला चल सौदा कर लीए। लै भी कर सौदा सजदे नूं कहिंदे महाराज कर सौदा तेरी ते हमारी किछ जात ना न्यारी माधो दे के मजूरी मुझे पिछा ना पसारी है। मजदूरी दे चार पैसे दे के हुण मेरे वाल पिछा ना कर मेरे काट आए तुझे पार लंघाया साइया तेरे काट आवा मुझे पार उतारी मेरे काट ते आया मैं तेनू नंघाता जिदन मैं उथे आवा तू मैनू पार लंघा दी। ते सरकार ने आख्या अच्छा आखिर मला ही सैना सौदा करना आया नहीं। कहिंदा महाराज बड़ा उत्तम सौदा किया है मैं तुहानू नंघाता तुसी मैनू नंघा दिओ। कहिंदे पिछे वेख जरा किन्ने असी कहिंदा 21 जी एक तुसी ते 20 तुहाडे सिख ते कहिंदे 21 नूं तू नंघावें ते मैं एक नूं नंघावां तैनू ये नहीं ओ गल बनदी। कापी पेंसिल चुकी सरकार ने ते लिख के मूल मंत्र दिता लै सजदिया तू मेरे 21 सिंह नंघाए मैं तेरिया 21 कुलां पार नंघातियां। ये प्रेम दे सौदे आ प्रेम करके वेखो गुरु ना। अज की पौड़ी आओ विचार लीए इस तरह बैठो एक बार मैं फिर आखूंगा चाड़ो पट्टी ते अपने आप नूं वाहिगुरु वाहिगुरु तू नीच तू नीच तू नीच गुरु लैके जाओ भला चढ़गी करी चढ़गी सतनाम श्री वाहिगुरु। अज की पौड़ी विचार लीए एकाग्रता बनाओ कितों उपजे रब कितों पैदा होया कितें रहिंदा है ते कितें जाके समा जांदा है कितों उपजे कह माए कौन जाने जी जंत सब खसम के ये तो सारे उदे जी जंत ने यह की जानते तेरे बारे कौन कीमत पावे कौन ये सारे पिता का जन्म पिता दे जन्म बारे पुत्र नूं की पता है कित्थों पैदा हुंदा है कित्थे रहिंदा है ते कित्थे जाके समा जांदा है कित्थे समाया पिया कित्थे रह रहा
ते किथे पैदा हुंदा है, कित्थों उपजे। जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे, कौन कीमत पा सकदा है। फिर मर महाराज ये कितना पास हो गए जी जंत, कहिंदे कैन जेड़े सवेरे उठ के वाह गुरु कहिंदे ध्यान ध्याउंदे जेड़े 24 घंटे उन्हू, फिर उस ध्याए उन्हू सुनदे ने मूँह चों, सुनदे नहीं मूँह दे विचों बोल के कन्ना नाल सुनदे ने। आखो वाहिगुरु, कहन ध्यान सुन नित, एक रेज दा जना नेम बना लिया, कहना सुनना ते ध्याउणा, ये तीन गल्लां ते चढ़ गए। पहलों कहिंदे कहिंदिया कहिंदिया उन्हूं ध्याउणा बन जांदा है, ध्याउणा हुंदा फिर मूँह चों नहीं बोलना, चेतनता विच लिआउणा। पहलों कहना की है मूँह नाल, फिर सुरत विच वस गया, 24 घंटे उहदी धुनी चलदी रहिंदी, इहनूं कहिंदे ध्याउणा। आखो वाहिगुरु, ते उस ध्याए हुए अंदर चलदे शब्द नूं सुनना। से भगत सुहावे, वह भगत सोहणे लगणे शुरू हो जांदे। से भगत अगम अगोचर साहिबो दूसर लवै, उहदे बराबर दूसरा नहीं कोई हो सकता। अगम है, अगोचर है, बहुत महान है, जे कहो भी गुरु ग्रंथ साहिब दे बराबर किसी की गल चल सकती नहीं। इको है भाई सह मेरा, एको है अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे मैने बराबरी, लवे मैने उहदी जगह नहीं कोई मल सकता लै सकता। दूसर लवे ना लावे, ये जिहड़ा उपदेश है गुरु का, सच पूरे गुर उपदेसिया। जदों मैं अज सवेरे बंगला साहब कथा महाराज करवाउण डिया सी ना, तो मैं कहना परमजीत सिंघा तू न्या नहीं करता शब्द ना, समझते हो नहीं, न्या नहीं तू करता। जो शब्द कह रहा है जीवंदिया नू मिले सो जीवंदे, अज का शब्द से जीवंदिया नू मिले जीवंदे, नू जीवंदा ही मिलता है, तो मरे नू तू क्यों नहीं खोल सकता। जे तेरी जगह ते ऐस शब्द की व्याख्या मेरा जगत का गुरु गुरु नानक साहब कर रहा हुंदा, ते दस दिंदा कौन मरिया है, कौन जीवंदा है, कौन मरिया दे कोल जाके बह गया, कौन जीदे कोल बैठा है, इहदी व्याख्या किते मेरा जगत का गुरु करदा। सच पूरे गुर उपदेसिया, वो उपदेश नूं केवल ते कौन सुना सकदा है, नानक सुनावे असी ते रोटियां कारण पूरे ताला। सच तुहानूं दस दे जे बहुत सारियां गल्लां ते आण के अपने मूँह ते असी चिप्पी ला दिंदे किसी नूं बुरा ना लगे। ते बाबा सी एक जिहड़ा कारू बादशाह नूं मूँह ते जा के कहिंदा सी लानत है तैंकू बूहे अगे कारू बादशाह दे, उस वेले दा जालम बादशाह सी कौन, कारू बादशाह जिहड़ा मुरदियां दे मूँह विच्चों पैसे कढ लिआउंदा सी, उहदे मूँह ते जा के कहिंदा सी कीचै नेक नामी जे देवै खुदाए, जे खुदा ने तैनूं पातशाही दित्ती आ ते नेक कम कर। साहिब कहिंदा सी कौन, गुरु नानक साहब, कीचै नेक नामी जे दिसे जे देवे खुदाए, जो दिसे जिमी पर सो होसी फनाए, लानत है तैंकू। कह सकता कोई होना बादशाह दे बूहे अगे जाके किसी बादशाह नूं कह सकता कि लानत है तैंकू वे तैंडी कमाई, दगेबाजी करके दुनिया लुट खाई, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर ना तेरा ना मेरा, करोना दे पैसे भी खा गए। एक कोई नहीं कह सकता नानक तो बिना, ये बाबा नानक ही हुंदा ते चेते करा दिंदा, रिमाइंड करा दिंदा यार होर तां लुट के भावें सारी दुनिया खा जन्ने, जिहड़े इन्हां दे विचारियां दी गुराई आई सी करोना दी, वह भी अड़प गए। दगेबाजी करके दुनिया लुट खाई, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, दुनिया का कहे आई मौत सिर पर ना तेरा, केते गए देख जनावर की छाओ, हुए हैं खाक कोई ले ना नाओ। बादशाह इस दुनिया ते किन्ने जानवरां वांगू आए, कोई निशान नहीं उन्हां दा, ना दिसे जिमी पर उनको निशान, कोई निशान नहीं जिहड़े अगे बादशाह हो गए। ओ हमायूं दे मकबरे ते जाके वेखो, घा उग गया, सप पैदा होए,
उत्थे कोई ना नहीं लेंदा कदी कोई हमायूं बादशाह होया सी। इस तरह के कई आए कई चले गए। लानत है तैं कुए तैंडी कमाई, दगेबाजी करके दुनिया लुट खाई। दुनिया का दीवाना कहें मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर ना तेरा। अमर छको गुरु वाले बनो। बहुता समा लग गया, थक गए हो गए। अच्छा अरदास करो साहबा, कभी इस तरह की संगत च मिला दी। रख संगत तुम जो प्यारी, उत्थे मैनू भी रखिया कर जिहड़ी संगत तैनू प्यारी लगती। अरदास करिया कर मेरी ये धीए, अरदास करिया कर मेरे वीरा। क्लब तेनू प्यारे नहीं लगते, ताश दियां पार्टियां तेनू प्यारियां नहीं लगदियां, पैलेस तेनू प्यारे नहीं लगते। तेनू लगती प्यारी संगत, जे तेनू संगत ही प्यारी रखती ते रख संगत तुम जो प्यारी। अरदास करके जाए साहबा, मैनू बहुता समा मेरी जिंदगी दा किथे रखिया कर। जिथे तू रहना है विच संगत हर प्रभ, जे तू इत्थे रहना ते मैनू किथे कोठी च बंद करता ही नहीं पता लगा। जे तू इत्थे रहना ते मैनू किथे किटी पार्टियां च वाड़ता ही। मैनू भी उन्हां चों कढ के संगत विच बहुता समा रखिया कर। मेरा गुरु तरस खावे भैणो बच्चो, गुरसिखो अमृत छको गुरु वाले बनो, पंथ दी सवारो, पंथ दी एक एक घर च जदों ताडे वीर भैन भरा बच्चे बच्चियां अमृतधारी हो जाणगे ना। आ बरेली विच होना, मैनू लोगों ने रो रो के आख्या धीआं मुसलमानां नाल ते हिंदुआं नाल विआह कराई जांदियां ने। सिखां ने कहा जे रो के, ऑन लाइव चल रहा मेरा, आखो वाहिगुरू। मैं क्या तुसीं जे किते पहले दिन तो इन्हां दे गलां च कृपाना पाईआं हुंदियां, पहले दिनां तो इन्हां नूं पंज बाणियां कंठ कराईआं हुंदियां, ते कदी परिवार विगड़ना नहीं सी। भुल्लां ते किते साडियां वी ने ना, पहलों ऐश परस्ती विच बच्चे जवान हुंदे गए ते जदों वड्डे बूटे हो जांदे ते उन्हां नूं मोड़िया नहीं जांदा। निक्के निक्के बच्चियां नूं अमृत छकाओ। 7 साल तो उत्ते दा हर बच्चा अमृतधारी दा हकदार आ, छक सकदा है। 7 साल दे बाबा फतेह सिंह साहब ने अमृत छकिया सी, ते सानू 7 साल दे नूं अमृत बच्चियां नूं छकाउणा चाहीदा। बाणी पढ़ाउणी चाहीदी आ, बाणी समझाउणी चाहीदी आ, रहत मर्यादा दी कापी घर विच रख के आप पढ़नी चाहीदी ते बच्चियां नूं पढ़ाउणी चाहीदी। ऐसा करो पंथ दी चढ़दी कला होवे, भुल्लां ना चितारिओ। फिर कदी गरीब नवाज ने दया की, समा बख्शिया, आप जी के दर्शन दीदार होणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।